गाइस प्रॉब्लम नंबर टू को देखिएगा, बड़ा शानदार प्रॉब्लम है। हमसे कह रहा एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अप अ वॉल क्रॉल्स 5 सेंटीमीटर अपवर्ड इन फर्स्ट मिनट। देखो यहाँ तक बात समझें, क्योंकि इस क्वेश्चन में शुरुआत से समझाने का मसला है। आपसे कह रहा है कि एक चींटी है, चींटी ऊपर को क्रॉल कर रही है, मतलब चल रही है दीवार के ऊपर को, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एक मिनट में वो 5 सेंटीमीटर ऊपर को जाती है, ठीक है। अगर चींटी यहाँ है तो वो 5 सेंटीमीटर ऊपर को जाएगी कितने मिनट में? एक मिनट में, ध्यान से देखना, एक मिनट में 5 सेंटीमीटर ऊपर को। आगे बोल रहा है बट देन स्लाइड्स 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। उसके बाद क्या होता है, वो अगले मिनट में 3 सेंटीमीटर नीचे को खिसक जाती है, 3 सेंटीमीटर नीचे को खिसक गई। तो बेचारी 5 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ी थी एक मिनट में, लेकिन अगले ही मिनट में वो 3 सेंटीमीटर नीचे को आ गई। तो 3 सेंटीमीटर वो नीचे को आ गई, तो बताओ उसका टोटल डिस्टेंस वो नीचे से कितना ऊपर को गई है। तो 3 सेंटीमीटर नीचे को आ गई, 5 सेंटीमीटर चढ़ी थी, तो भाई 2 सेंटीमीटर। ऐसा होने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? एक मिनट तक 5 सेंटीमीटर चली, अगले ही मिनट में वो 3 सेंटीमीटर नीचे आ गए, तो 2 मिनट लगे उसे टोटल। और 2 मिनट में अगर उसका नेट डिस्टेंस देखोगे तो वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये वाली बात आप यहाँ सॉल्यूशन में दिखा सकते हैं इस तरीके से, नेट डिस्टेंस इन 2 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। मतलब एक तरह से एक मिनट में वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने, अगर एक नेट की बात करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, दीवार कितनी मीटर ऊंची है? तो आप कहोगे 24 सेंटीमीटर। अब इस चींटी को क्या करना है, 24 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ से आप ये वाली बात आपने लिखने को लिख दी, लेकिन इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे लिख दो डिस्टेंस इन 2 मिनट, कितना डिस्टेंस हो गया? 2 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, 24 सेंटीमीटर उसे पूरी हाइट कवर करनी है, क्रॉल करनी है, और यार देखो 2 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर गई है। 2 मिनट का ही देखोगे आप, 1 मिनट का मत देखो, 2 मिनट का, क्योंकि नेट जो आया वो 2 मिनट में आया, तो 2 मिनट में वो नेट है 2 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ फिर 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 20 मिनट में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि 20 मिनट में नेट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर क्रॉल करेगी चींटी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस आपको 24 सेंटीमीटर कवर करवानी है। तो मुझे बताओ 20 मिनट में तो 20 सेंटीमीटर क्रॉल कर चुकी है, लेकिन अब जो 21वां मिनट आएगा वो उसके ऊपर चढ़ने का आएगा। देखो खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि नेट मैंने देखा था कि कितने मिनट में नेट आया था, 2 मिनट में नेट आया था 2 सेंटीमीटर का। तो 20 मिनट में नेट कितना रहेगा? 20 सेंटीमीटर का। अब चींटी क्रॉल कर रही है, कितना कवर करना है उसे? 24। अब जाहिर सी बात है जैसे ही अगला मिनट आएगा तो 5 सेंटीमीटर और ऊपर चढ़ेगी, तो जैसे ही 5 सेंटीमीटर और चढ़ेगी तो टोटल हो जाएगा एक तरह से 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक ऊपर पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले ही 24 सेंटीमीटर आता, उससे पहले ही 24 सेंटीमीटर आता। तो 24 सेंटीमीटर पर जो उसका क्रिवाइस है, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्रिवाइस उसका 24 सेंटीमीटर पर है, तो भाई 25 सेंटीमीटर तो चढ़ना चाहिए था, लेकिन जाहिर सी बात है 25 सेंटीमीटर से पहले ही उसका छत्ता आ जाता, उसका छेद आ जाता जहाँ उसे अंदर बढ़ना है, तो वो 25 सेंटीमीटर न जा करके 24 सेंटीमीटर पर एंट्री मार देगी। कहने की बात यह है सारी बातों की कि 20 मिनट में तो 20 सेंटीमीटर चढ़ गई, लेकिन 21वें मिनट में वो अपने छत्ते के अंदर घुस जाएगी, जो भी उसका छत्ता होगा, जो भी उसका बिल होगा, जो भी उसका क्रिवाइस होगा, उसके अंदर जाकर बढ़ जाएगी और वो 24 सेंटीमीटर पर है। तो आप ये वाली बात लिख सकते हैं, इन नेक्स्ट मिनट इट विल क्रॉल 5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स, वो क्रॉल करेगी 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है जब 20 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, तो 25 से पहले ही थोड़ा नीचे है उसका छत्ता, तो वो छत्ते के अंदर ही घुस जाएगी। मतलब यही पूछ रहा था हमसे, वो अपने क्रिवाइस तक पहुँचने में कितना टाइम ले लेगी, तो ये हो जाएगा 21 मिनट। सो इट विल टेक 21 मिनट टू रीच
इट क्रिवाइस। वो अपने क्रिवाइस तक पहुंचने में कितने मिनट ले लेगी? 21 मिनट ले लेगी। तो यही पूछ रहा था हमसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ कितना टाइम ले लेगी वो अपने क्रिवाइस तक पहुंचने में, तो 21 मिनट। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया 21 मिनट का। आगे आपसे क्या भी रहा है कि इसका पोजिशन टाइम ग्राफ बताओ किस तरह से दिखाई देगा। तो पोजिशन टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट है इसका, पोजिशन टाइम ग्राफ। इसकी पोजिशन कहाँ होगी? तो यहाँ पर ले लेते हैं टाइम और यहाँ पर ले लेते हैं पोजिशन। मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में जब t इज इक्वल टू जीरो था तो चींटी चढ़ी नहीं होगी, टाइम ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस वक्त कोई भी उसके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही एक मिनट आया, चींटी जंप मारेगी 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो वो चढ़ गई 5 सेंटीमीटर तक। लेकिन जैसे ही अगला मिनट आया तो वो 3 सेंटीमीटर नीचे को आ जाएगी। जब 3 सेंटीमीटर इसमें से घटाओगे तो बचेगा कितना? 2। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही अगला तीसरा मिनट आएगा तो ये 5 सेंटीमीटर और चलेगी, तो 2 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 7। ठीक है, और जैसे ही 3 के बाद चौथा मिनट आएगा तो 7 में से 3 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि वो हर इवन मिनट में, देखो हर इवन मिनट में नीचे को आ रही है और हर ओल्ड मिनट में वो ऊपर को जा रही है, तो ये वाली बात सोच करके। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, जैसे ही आपका ओल्ड मिनट आया था उसमें वो ऊपर गई, लेकिन जैसे ईवन आया तो वो नीचे को आई थी, क्रॉल में सरकते हुए आ गए थे नीचे को, तो नेट कितना हुआ था वो आपने देखा। 3 कम कर दो तो 2 आ गए, नेट है। फिर अगले ही मिनट में वो 5 ऊपर को जाएगी, तो 2 में 5 ऐड करोगे 7 हो गया। फिर उससे अगले मिनट में फिर से 3 कम कर दो तो 7 में 3 कम कर देंगे 4 आ जाएगा। अब जैसे ही ओल्ड मिनट आएगा वापस से ही जंप मारेगी 5 और, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो एक पैटर्न बन रहा है, 0, 5, 2, 7, 4, 9, दो सीरीज अब चल रही है। 0 को छोड़ दो, 5 के बाद 2, 5 की सीरीज आ गई, 5 और 2 7 और 2 9, ऐसे ही 2 और 4 अब 6 आ जाएगा। 7वें मिनट में बताओ कितना आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा। 8वें मिनट में बताओ कितना आ जाएगा? इसका देखो, इसका डबल कर दो 8 हो जाएगा। 9वें मिनट में देखोगे तो अब इसका देखोगे तो 13 हो जाएगा। तो दो सीरीज लगातार चल रही हैं। अब 9 के बाद 10वें मिनट में देखोगे, 10वें मिनट में ये टी चल रहा है, ये एक्स चल रहा है, ये टी है और ये एक्स है। 10वें मिनट में देखोगे तो इवन मिनट में ये 10 हो जाएगा। वैसे 11वें मिनट में देखोगे तो आप ये 15 हो जाएगा क्या? देखो 9 के बाद 11 तो 13 और 2 15 हो जाएगा। सही है, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है। ठीक है, ऐसे आप 12 मिनट की बात करोगे तो ये 12 हो जाएगा, 13वें मिनट की बात करोगे तो ये 15 और 2 17 हो जाएगा। वही 14 मिनट की बात करोगे तो ये 14 हो जाएगा, 15 मिनट की बात करोगे तो अगेन 17 और 2 19 हो जाएगा, 16वें मिनट की बात करोगे तो ये 16 हो जाएगा, 17वें मिनट की बात करोगे तो ये 21 हो जाएगा, 18वें मिनट की बात करोगे तो ये 18 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर टाइम ले लो, यहाँ पर पोजिशन, 18 के बाद 19वें मिनट की बात करोगे तो 19वें मिनट में कितना हो जाएगा? 21 हो तो 23 हो जाएगा। 20वें मिनट की बात करोगे तो वापस से 3 के नीचे को आ जाएगी तो ये 20 हो जाएगा। 21वें मिनट की बात करोगे तो ये जंप मार देगा, कितने से 25 पहुंच जाएगा। हिसाब लगा रहे थे ना कि 21वें मिनट में 25 पहुंच गए, देखो 21वें मिनट में 25 पहुंच जाएगा ना, तो आपने देखो वो हिसाब के थ्रू तो यहाँ बात भी क्लियर हो रही है, 21वें मिनट में कहाँ पहुंच जाएगा? 25 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात पूरी हो गई। अब इसी का ग्राफ बनाना, तो ग्राफ किस तरीके से बनाओगे? ग्राफ बनाने के लिए एक काम कर लो, मैं इतने में से ही समझा देता हूँ, क्योंकि ग्राफ आपको प्लॉट करना आएगा तो आप इसमें से समझ लोगे। ये आपके पास टाइम है और ये पोजीशन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हो गया 21। वैसे ही यहाँ पर आप ले लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इस तरीके से। अब देखो ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूँ। ये 1 है, आपको तो पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 10, इतने से पता लग जाएगा। 0 के लिए 0 है तो मतलब यहाँ,
एक के लिए पाँच है तो टाइम आपका एक मिनट, तो पाँच ऊपर एक दो तीन चार पाँच, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि t इज इक्वल टू वन के लिए पाँच आ गया, t इज इक्वल टू टू के लिए टू हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू टू के लिए अगेन टू, टू वाला पॉइंट तो ये हो गया। तो पहले तो ये ऐसे बढ़ा, फिर ये नीचे को आया, पहले बढ़ा फिर नीचे को आया, दो को हो गया। तीसरे के लिए तीन के लिए सात है पोजिशन, तीसरे मिनट के लिए पोजिशन कितनी है सेवन, तो तीसरा मिनट तो ये रहा, पोजिशन कितनी है सेवन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सेवन। तो कहीं ना कहीं ये तो ग्राफ यहाँ पहुँचा तीसरे मिनट के लिए, तो भाई ये ग्राफ यहाँ पहुँच गया। ऐसे ही अब चौथे मिनट की बात करोगे तो चौथे मिनट के लिए ये चार पर आ जाएगा, तो चौथे मिनट के लिए एक दो तीन चार, मतलब यहाँ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से भागेगा, ये इस तरीके से भागेगा ग्राफ। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। होप सो समझ में आ गया होगा, बड़ा ईजी था, ये सब चीज़ें बड़ी ईजी हैं। आप ये ना समझे कि यार क्या होगा, बस शुरुआत में समझ लें, उसके बाद खुद ही ये पैटर्न बनाते रहोगे। लेकिन ये पैटर्न वेरीफाई कर देता है कि हमने जो 21 मिनट निकाले थे बड़े ईजी तरीके से निकाल दिए, और अच्छे तरीके से, और बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।